गाइस अभी जो श्री रामचंद्र ठीक है नेपाल से एक पत्थर लाया गया है ठीक है, तो वो पत्थर का आकार इस टाइप से है गाइस। गाइस ये है पहाड़ ठीक है, और ये है खाई नीचे में, और मेरा बाइक ही देख सकते हो। इधर से जाएंगे ऊपर, ऊपर पहुंचेंगे पहाड़। सो है गाइस कैसा सभी खासा करते हो, स्वागत है मेरे सुनने तमाम ब्लॉग्स में। दोस्तों आज का सीन क्या होगा, कैसा होगा, कुछ आई डोंट नो। गाइस चलते हैं यार, बाइक में है देख सकते हो, बाइक में निकल गए हैं बाइक लेकर, और आज का सीन क्या होगा कैसा होगा आई डोंट नो। तो देखते हैं गाइस आगे में क्या कुछ होता है, फिर आज सफर का एंजॉय कीजिए आप लोग। भाई साहब ये रास्ता देखो यार, हम कहाँ फंस गए बीच रंग जंगल में ठीक है। भाई ये देख सकते हो ये पहाड़, इसे काट काट कर रास्ता बनाया जा रहा है, और ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है। और मेरे बाइक का हालत तो ऐसे भी खराब हो चुका है गाइस ऐसे रास्ते में, और मैं पूरे जंगल के बीचों बीच हूँ गाइस। ये देख सकते हो ये है पहाड़ पर्वत, तो चलते हैं गाइस क्या होता है आगे आई डोंट नो। तो भाई साहब यही है आज का, भाई साहब कहाँ कहाँ फंस गया मैं तो। गाइस ये है पहाड़ ठीक है, और ये है खाई नीचे में, और मेरा बाइक ही देख सकते हो। इधर से जाएंगे ऊपर, ऊपर पहुंचेंगे पहाड़ के ऊपर में, और पहाड़ के ऊपर में गांव इस लगभग 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, मैं वहीं जा रहा हूं ठीक है। तो गाइस बुलाने ब्लॉग में यार वहां जाके बात करते हैं आप लोग से। सो गाइस देख सकते हो मैं बिल्कुल पहाड़ के ऊपर पहुँच चुका हूँ, और देख सकते हो ठीक है, और पहाड़ में चल रहे हैं मेरे बाइक, और ये देख सकते हो ये गिट्टी बिछा हुआ है, और मेरा बाइक नीचे नीचे जा रहा है गाइस। उधर से चलूँगा तो टायर वायर के कटने का ज़्यादा है ना चांस रहता है इस कारण से। बाकी देखिएगा इस आस पास में पूरा जंगल है हमारे ठीक है ना, ये दे और मैं चल रहा हूँ गाइस धीरे धीरे आराम से, लगभग लगभग 20 की स्पीड में गाइस। और यहाँ पर गाइस भाई साहब गाइस अभी जो श्री रामचंद्र ठीक है नेपाल से एक पत्थर लाया गया है ठीक है, तो वो पत्थर का आकार इस टाइप से है गाइस, और ये जंगल में भी गाइस देख सकते हो इस प्रकार से पत्थर है। तो यहाँ से कट गए पत्थर। तो गाइस ये देख सकते हो मैं यहाँ पे हूँ, बाकी गाइस यहाँ से, तो गाइस यहाँ से मैं निकलता हूँ ठीक है। बाकी इस प्रकार से कैसे मजा आ रहा है, आस पास में पूरा जंगल है, और जंगल के आस पास में शेर भालू भी होंगे, तो यहाँ से जल्दी निकलते हैं गाइस, क्योंकि आस पास मेरा कोई नहीं है और मैं सिर्फ अकेला हूँ यहाँ पे। इस कारण गाइस चलो निकलते हैं भाई साहब, इस पत्थर को देख के रुक गया मैं, क्योंकि गाइस अभी श्री राम जी का जो चरण चल रहे हैं ना तो चलो चलते हैं गाइस। देख सकते हो इधर का नजारा किस प्रकार सा। सो गाइस आप लोग यहाँ का बैकग्राउंड चेक करिएगा एक बार, बहुत जबरदस्त टाइप से है, तो उसे दिखाता हूँ गाइस आप लोग को ठीक है। तो चलो चलते हैं बाइक में और दिखाता हूँ बैकग्राउंड यहाँ का ठीक है। ये देखिए गाइस सिस्टम, तो गाइस देख सकते हो ये पूरा पहाड़ के ठीक है, पहाड़ के चारों ओर बसा ही है सुंदर सा गांव, गांव का नाम नहीं बताऊंगा। सो यहां पे पहुंच चुका हूं मैं, और ये देख सकते हो दूर दूर में घर है, यहां पे एक घर, उसके बाद 1 किलोमीटर बाद फिर घर है। तो गाइस यहां पे पहुंचा हूं मैं, आई होप गाइस यहाँ लोग आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं पहाड़ों पर मेरी जान, और सुंदर सुंदर सा नज़ारा है गाइस, क्या ही बोले अब, तो उधर चलते हैं और बाय बाय टाटा गाइस, फिलहाल इतना ही।